राज पागल हो जाता है, वो दौड़ता है भागता है, दौड़ता है भागता है, दौड़ता है भागता है, सीढ़ियां कब क्रॉस होती पता नहीं चलता, वो सीधा गेट खोलता है और अंदर देख के चौंक जाता है, क्योंकि अंदर दोस्तों हमारी लाइफ में कई ख्वाहिशें होती है, कुछ ख्वाहिशें पूरी होती है, कुछ अधूरी रह जाती है, और अगर हम उन अधूरी ख्वाहिशों के साथ इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं तो हमारे यहाँ मान्यता है कि हमारी आत्मा यहीं कहीं घूमती रहती है। इसी को बेस मानकर मैंने एक स्टोरी लिखी है जो मैं आपको प्रेजेंट करने चाह रहा हूं। मेरी इस कहानी में राज नाम का एक लड़का है जो कि अनाथ है, अनाथालय में ही पला बड़ा है, लेकिन अपने इंटेलिजेंसी के बल पर, अपने शार्प माइंड के बल पर एक एमएनसी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है। उसमें एक ही कमी होती है, उसका लुक। वो बिलो एवरेज लुक का लड़का है, इसी कारण कोई भी लड़की उससे फ्रेंडशिप नहीं करती। वो ट्राई बहुत करता है लेकिन लड़कियां उसके पास आती है, अपना काम मिटवाती है, उससे दूर चली जाती है। धीरे धीरे उसमें गिल्ट की भावना आने लगती है, पर लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन ऑफिस में रूबी नाम की लड़की उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, राज यार मेरा एक काम कर दो, मुझे ये पीपीटी बनानी है, आज की टाइमलाइन दी है बॉस ने, डेडलाइन खत्म होने से पहले मुझे बनानी है, प्लीज बना के मुझे मेल कर दो। राज रूबी को मनी मन चाहता है, उसे लगता है ये एक बहाना है, रूबी का उसके पास आना उसके लिए एक मौका है। वो जल्दी से उसकी पीपीटी पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसे कंप्लीट करता है। इवनिंग में जब रूबी उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे वो पीपीटी मेल कर दी, जैसे ही राज बोलता है यस ऑफ कोर्स आई डिड, रूबी खुशी के मारे उसे अपना हग में ले लेती है। एक नॉर्मल सा हग, पर राज बेचारा अपने गिल्ट का मारा, उसे लगता है ये हग नॉर्मल से कहीं जाता है, उसे लगता है रूबी भी उसे चाहती है जैसे वो उसको चाहता है, वो उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करती है, वो अपना आपा खो देता है और उसे प्रपोज कर देता है। उसी टाइम बहुत ही धीमी आवाज में उसे प्रपोज करता है, पर बदले में रूबी पूरे ऑफिस को सुनाकर उस पर शाउट करती है, चिल्लाती है, उसके बोलती है हाउ डेयर यू टू प्रपोज मी, कभी शक्ल देखी है अपनी, अपनी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, क्या बराबरी है हमारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की, तुम्हारी सुअर जैसी शक्ल है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगी, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो, यह कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। राज बेचारा घबरा जाता है, इधर उधर देखता है तो देखता है कि सारे ऑफिस वालों की नजरें उसी को घूर रही है। वो पूरी तरह गिल्ट से भर जाता है, टूट जाता है, जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है, अपना लैपटॉप बैग उठाता है, दौड़ के सीढ़ियों की तरफ जाता है, लिफ्ट को भी यूज नहीं लेता, सीढ़ियों से सीधा दौड़ के नीचे पार्किंग से अपनी गाड़ी उठा के सीधा गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर हॉर्न बजाते 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 अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। अपने अपार्टमेंट पे पहुंच के भी वो सीधा गाड़ी पार्किंग में लगा के सीधा ऑफिस से आके अपने सीढ़ियों से होते हुए रूम की तरफ जाता है, रूम का दरवाजा खोलता है, फ्लैट जो कि थर्ड माले पे 304 फ्लैट नंबर उसका है, उसके अंदर जाके फ्लैट का दरवाजा बंद कर लेता है, फिर अपनी स्टडी टेबल की तरफ पढ़ता है, टूटे हुए दिल के साथ उस पर बैठता है, अपने सर को जकड़ लेता है, बोलता है भगवान तुमने मुझे इस लाइफ में जन्म ही क्यों दिया, ऐसी जगह तुम मुझे लेके ही क्यों आए जहां मेरा कोई एक दोस्त भी नहीं है, बोलता है हे ईश्वर तुमने मुझे अच्छी जॉब दी, अच्छा पैसा दिया, अच्छा नाम दिया, पर कोई दोस्त नहीं दिया। वो पूरी तरह टूट जाता है
और सुसाइड का मन बना लेता है। वो अपनी पर्सनल डायरी निकालता है, उसके पन्ने खोल कर एक पेन उठाता है और उस पर लिखना शुरू करता है कि हे भगवान, तुमने मेरे जन्म लेते ही मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया है। मुझे इतना एवरेज लुक दिया कि कोई लड़की मुझे देखती भी नहीं है, दोस्त बनना तो दूर, मेरी तरफ वो आती भी नहीं है। मैं इस जिंदगी से अब टूट चुका हूँ। क्या मांगा था मैंने, क्या ख्वाहिश थी मेरी, मात्र इतनी सी कि कोई लड़की मेरी भी लाइफ में आए, जिसके साथ मैं हंसूं, जिसके साथ मैं रोऊं, जिसके साथ मैं दुख दर्द बांटूं, जिसके साथ मैं घूमने जाऊं, जिसके साथ मैं वो सब करूं जो बाकी कपल करते हैं। बस इतनी सी ख्वाहिश थी मेरी, क्या गलत थी, क्या मेरी ख्वाहिश गलत थी? अगर गलत नहीं थी तो ये पूरी क्यों नहीं हुई? अब मैं इस पूरी दुनिया से उब चुका हूं, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं मरने जा रहा हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ। मैं इस दुनिया को रुखसत करने जा रहा हूं। वो और भी कुछ लिखना चाह रहा था पर तभी डोरबेल बजी। उसे लगा इस टाइम कौन आ गया। उसने इग्नोर मारते हुए दोबारा से पेन उठा के लिखने की कोशिश की, तभी दोबारा से डोरबेल बजी। उसने पुनः इग्नोर किया और वापस लिखना स्टार्ट किया, फिर तीसरी बार डोरबेल बजी। वो झुंझला गया, उसने पेन को उठा के फेंका, अनमने से वो गेट की तरफ पड़ा। अपना गेट उसने जैसे ही खोला, सामने जो था उसको देख के वो हैरत में पड़ गया। एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की, जितनी उसने आज तक दुनिया में नहीं देखी थी। वो बस भौचक्का सा उस लड़की को देख रहा था, तभी उसके कानों में सुरीली आवाज गूंजती है, एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। राज, नो रिएक्शन, क्योंकि वो तो उसमें खो चुका था, उसकी खूबसूरती में डूब चुका था, सिर्फ उसे देखे जा रहा था, उसे कुछ होश नहीं था कि सामने वाली लड़की उससे कुछ पूछ रही है। तभी अचानक से दोबारा से लड़की ने पूछा, एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। राज चौंकता है, बोलता है, या श्योर श्योर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम। लड़की बोलती है, एक्चुअली मैंने आपके फ्लैट के जस्ट नीचे 204 में नया नया शिफ्ट किया है, और मैं शिफ्ट करने के बाद कहीं चली गई थी, वापस आ रही हूं तो ये लॉक मुझसे खुल नहीं रहा है, तो आप प्लीज खोल देंगे। राज घड़ी में टाइम देखता है, 8:45, 8:45 बजे हैं, वॉचमैन चला गया। लड़की फिर बोलती है, जी हाँ, आज वॉचमैन पता नहीं कैसे जल्दी चला गया, अदरवाइज मैं आपको परेशान नहीं करती, विल यू प्लीज हेल्प मी। राज का मन जाने का तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक लड़की उससे रिक्वेस्ट कर रही है, लाइफ में पहली बार कोई लड़की आई है जो उसकी इतना नजदीक आकर उसके घर में आकर उससे हेल्प मांग रही है, उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वो अपने गेट को बंद करता है, उस लड़की के साथ सीढ़ियां उतरता है, नीचे वाले फ्लोर पर 204 पर पहुंचते हैं तो चाबी उसके की होल में ही लगी है। लड़की बोलती है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर ये ओपन नहीं हो रहा है, देखिए आप ट्राई करके देखिए। राज जाता है, उसको सिर्फ पकड़ता है और एक बार चाबी खुला घुमाता है और गेट खुल जाता है।
वो बोलता है ये तो एकदम ओके। लड़की बोलती है ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत ट्राई किया पर मुझसे गेट नहीं खुला। एनीवे थैंक यू सो 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 मच, नहीं तो आज मुझे वापस जाना पड़ता और अभी मुझे कोई चाबी वाला भी नहीं मिलता। राज जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट दे। राज जाने लगता है तभी लड़की उससे बोलती है आपने मेरी हेल्प करी है, प्लीज चाय पी के चाहिए। राज उसे बोलता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, मुझे कुछ जरूरी काम है। लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, बोलती है मुझे पता है आप कुछ जरूरी काम कर रहे थे पर उससे जरूरी काम मेरे साथ एक कप चाय पीना। राज अटपटा जाता है, लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे कुछ सोचता नहीं है। लड़की फिर उसे बोलती है कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले थे। राज घबरा जाता है। लड़की बोलती है घबराइए मत, मुझे पता है आप चाय ही बनाने जा रहे हैं, तो आपने मेरी मदद करी है तो मेरे हाथ की चाय पी लीजिए। राज इस बार कुछ नहीं करता, लड़की उसे लगभग खींचते हुए अपने गेट के अंदर ले जाते हैं 204 में और जल्दी से गेट बंद कर। राज अंदर जाके दिखता है तो चौंक जाता है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर अंदर का, बहुत ही शानदार, अंदर बहुत गजब वाले पॉट्स लिखे हुए पर ज्यादातर जन्म और मृत्यु से संबंधित गीता के उपदेश वहां दीवारों पे लिखे हुए। वो बोलता है आपने तो बहुत ही अच्छा डेकोर करके रखा हुआ है। लड़की जिसका नाम तक राज को मालूम नहीं, वो बोलती है कि अरे मैंने नहीं डेकोर किया, ये ऑलरेडी डेकोर है, मैं तो अभी रहने आई हूं, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वो चली जाए। राज वहां सोफे पे बैठकर बस दीवारों को निहार रहा होता है, वो भूल चुका होता है कि वो क्या करने वाला था और वो यहाँ कैसे आ गया, बस वो उस एटमोस्फियर में खो जाता है। वो चारों तरफ देखता रहता है। इसी बीच लड़की एक ट्रे में कुछ सजा के ले आती, पर ये क्या, उस ट्रे में चाय नहीं होती, उस ट्रे में होती है वोदका। वो चौंक जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं इट्स ओके। लड़की बोलती है क्यों आप नहीं पीते। राज मुस्कुरा देता है कि पीता तो हूं पर आज मूड में नहीं। लड़की बोलती है मूड तो मैं बना। राज सिर्फ मुस्कुरा के रह जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। लड़की उसके लिए पैक करना है, साथ में स्नैक्स लिया। वो दोनों चेयर्स करके पैक लगा था और उनके बीच पार्टी होना स्टार्ट। जिस चीज की रात की लाइफ में कमी थी वो चीज यहाँ पूरी होने लगती है। कोई लड़की जो उससे बात करने लगती है, वो दोनों खूब बातें करते हैं, अपने घर की बातें शेयर करते हैं, अपने ऑफिस की बातें शेयर करते हैं। राज बताता है कि कैसे बचपन में उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, लड़की बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। लड़की की हंसी इतनी प्यारी कि राज उसमें मोहित होकर रह जाता। वो लोग दो दो पैक लेते हैं। फिर लड़की उससे पूछती है क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चले। राज बोलता है कहाँ, लड़की बोलती है पास में ही जुहू बीच पे चलते। राज टाइम देखता है तो पूरा एक घंटा हो चुका होता है, यानी 9:45। राज बोलता है ठीक है चलिए। वो दोनों गेट से निकलते हैं, लड़की गेट को लॉक नहीं करती। राज बोलता है गेट को लॉक तो कर लीजिए। लड़की मुस्कुरा के बोलती है यहाँ बचा क्या है,
कुछ भी नहीं बचा। चलिए कोई क्या ले जाए, हम क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाएंगे। राज फिर मुस्कुराने लगता है कि आपकी बातें समझ से परे। जुहू बीच में गाड़ी को पार्किंग पे लगाते हैं और पैदल ही रेत पे चलने लगते हैं। दोनों फिर से खूब बातें करते हैं। लड़की हंसती है, लड़की बात बात पे हंसती है और ये देख के राज बहुत खुश हो जाता है। दोनों वहां बैठ जाते हैं। समुद्र की लहरें आती है, उनके पाँव को भिगोते हुए वापस लौट जाते हैं। फिर आती है, फिर भिगोती है, फिर लौट जाती है, फिर आती है, भिगोती है, लौट जाती है, आती है, भिगोती है, लौट जाती है, ऐसे चलता रहता है। दोनों अपने में बहुत खुश हैं। फिर अचानक से लड़की बोलती है, चलो थोड़ा सा वॉक कर ले जाए। राज कहता है, ठीक है चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। वो दोनों उठते हैं, वॉक पे जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही लड़की बोलती है, वो देखो वो गोले वाले की दुकान, मुझे खट्टा मीठा पसंद है, क्या तुम मेरे लिए पर पकोला बना के ले आओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करती हूँ। लड़का बोलता, हाँ जरूर। राज को क्या चाहिए था, एक साथी जो उसके साथ है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। राज बोलता है, ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं 2 मिनट में रोड क्रॉस करके जाता हूँ और उसे बुला लेके आता हूँ। राज भागता हुआ जाता है, जाके इस गोले वाले को बेलता है, बोलता है कि भाई खट्टा मीठा गोला लगा। गोला वाला जल्दी से गोला लगा के देता है। वो बोलता है, 2 लगा। गोला वाला लगाने लगता है कि सर आप दोनों खा लोगे। वो बोलता है, पागल है क्या, मैं एक ही खाऊंगा, एक मेरी गर्लफ्रेंड वो जो उधर खड़ी है वो खाएगी। गोला वाला बोलता है, किधर सर। वो बोलता है, वो खड़ी है। गोला वाले को क्या मतलब, वो गोला बना के दे देता है उसे। वो दौड़ के जाके देखता है, भागा 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 जहाँ वो दोनों खड़े थे, और देख के चौंक जाते हैं, वहाँ वो लड़की नहीं है। वो देखता है कि शायद उस कोने में होगी। वो दौड़ के फिर दौड़ के जाता है, वहां देखता है, वहां भी नहीं है। वो सोचता है उस कोने में होगी, दौड़ के जाता है, वहां भी नहीं है। वो चारों तरफ दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, उसको कहीं वो लड़की नहीं दिखती। वो सोचता है, अभी तो मेरे साथ थी, हंस रही थी, गा रही थी, अब कहाँ चली गई। उसे लगता है कि होना हो उससे कुछ गलती होगी। वो फिर इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं दिखती। तब उसके मन में ख्याल आता है कि हो सकता है कि वो लड़की टैक्सी पकड़कर अपने घर चली गई। वो फिर वापस आता है अपनी कार के पास, अपनी कार को स्टार्ट करता है और करीब 100 की स्पीड में कार को दौड़ाते हुए उस अपार्टमेंट पे पहुंचता है जहां वो रहते थे। जैसे ही वो अपार्टमेंट के नजदीक पहुंचता है, उसको पास से पुलिस जीप जाते हुए दिखती है। वो इग्नोर करता है, तभी अचानक एम्बुलेंस उसे क्रॉस करती है। उसको भी इग्नोर करता है, पर अपने अपार्टमेंट पे जाके गाड़ी रोकता क्या है बल्कि उसे रोकनी पड़ती है, क्योंकि सामने लोगों की भीड़ लगी है। वो वहां से उतरता है कि क्या हो गया। वो बाहर निकलता है, उसे शर्मा जी दिखते हैं। वो पूछता है, शर्मा जी क्या हो गया। शर्मा जी बोलते हैं कि राज भैया, दिख जो लड़की आपके नीचे वाले 204 में रहने आई थी, उसने सुसाइड कर लिया। ये सुन के राज चौंक जाता है कि ये कैसे बात कर रहे हो, पागल हो क्या तुम, कब किया, अभी तो वो मेरे साथ थी। शर्मा जी चौंक जाते, आपके साथ थी कब। अरे अभी मैं उसके साथ गोला खा रहा था, गोला लेने गया था, अभी हम लोगों ने खूब घूमे। शर्मा जी बोलते हैं, कितनी देर पहले की बात कर रहे हो। वो बोलता है, अभी 15-20 मिनट पहले की बात करता हूँ। शर्मा जी बोलते हैं, उसके नजदीक आके थोड़ा सा उसे सुनते हैं, ये राज भैया इतनी मत किया,
इतनी टेंशन में क्यों रहते हो कि आपको कुछ भी अजीब ख्याल आने लगते हैं? वो बोलता है, क्यों राज भैया, उस लड़की को मरे तो बहुत टाइम हो गया है। वो चौंकता है, कहाँ से पागल हो क्या तुम? वो बोलता है, राज भैया अभी भी लाश नहीं है, जाके देख लो। राज पागल हो जाता है, वो दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है, भागता है, सीढ़ियां कब क्रॉस होती पता नहीं चलता, वो सीधा गेट खोलता है और अंदर देख के चौंक जाता है, क्योंकि अंदर उसी लड़की की लाश होती है। राज उसे देख के घबरा जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? वहां पास में पुलिस वाले और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो उसे बताते हैं कि ये करीब 8 बजे के आसपास हुआ। वो अपना सर पकड़ लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 8:45 पे तो मैंने टाइम देखा था जब इसने मुझे नॉक किया था। पुलिस वाला उसको डांट के भगा देता है कि भाई तूने दारू पी रखी, अभी तेरे को अंदर करूंगा, फुट जा यहां से। राज घबरा जाता है, वो टूटे कदमों से वापस चल के धीरे 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 अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता है, अपने फ्लैट का गेट खोलता है, अनमने से अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठता है, बहुत ही टूटे हुए अंदाज में वो वहां बैठता है। तभी अचानक उसकी वो डायरी जिस पे वो सुसाइड नोट लिख रहा था वो खुलती है और उसमें से पेज पे पेज पेज पे पेज पलटते हैं, सीधा एक पेज खुलता है जहां वो सुसाइड नोट लिख रहा था और वहां लिखा हुआ आता है, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह सक्तावत। अगर आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। मैंने ये पहली स्टोरी डाली है, अदरवाइज मैं कॉमेडी एंटरटेनमेंट की वीडियो डालता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं आगे भी स्टोरी डालूंगा। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। जय हिंद, जय भारत, खमागम।